रहे हैं विदेफिनेशन पार्ट ऑफ आर चैप्टर हिट एक्सप्लेन पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर का और अगर आपने एक्सप्लेनशन पार्ट नहीं देखा है तो डू गो एंड वॉच दो बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर में जिनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है डेफिनेशन तो मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ पर डेफिनेशन आज बिकॉज हम सारी चीज़ों को वेरी डिटेल इन वेरी डिटेल हम चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं तो इस सेशन को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे इसीलिए अगर आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत हो डेफिनेशन पार्ट में तो वीडियोज को जरूर से देख लें आप ठीक है तो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द पार्ट डेफिनेशन तो सबसे फर्स्ट जो है डेफिनेशन वो है टेम्परेचर टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है इट इज द इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर ये किसी भी ऑब्जेक्ट की कि, कितना ज्यादा वो ऑब्जेक्ट हॉट है या कितना ज्यादा कोल्ड है उसकी डिग्री को बताता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो बताता है कि कितनी ज़्यादा बॉडी जो है वो हॉट है ठीक या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड है आप किसी कोल्ड कंडीशन में किसी चीज़ को रखा जाता है फ्रोजन कंडीशन में यू नो डिफरेंट वेजिटेबल्स को भी और फ्रूट्स को भी फ्रोजन कंडीशन में रखा जाता है तो उस टाइम टेम्परेचर मेज़र करने के लिए या कहीं किसी एरिया के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कि कितनी ज्यादा जगह जो है वो ठंडी है या गर्म है हम यूज करते हैं इस यूनिट का जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर क्लियर ओके मूविंग टू नेक्स्ट टर्म विच इज हीट हीट क्या है सबसे पहले तो हीट के लिए आपको याद रखना है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट क्या है एक एनर्जी का फॉर्म है जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर आपको पता है जब भी तक हीट जो है जो अमाउंट है मान लो कि कोई चीज़ गर्म है और कोई चीज़ नॉर्मल uh, टेम्परेचर पे ठंडी है तो जब तक उन दोनों का टेम्परेचर मैच नहीं होगा हीट जो है वो ट्रांसफर होता रहेगा अगर अलाउ किया जाए तो ठीक है अगर अलाउड है कि आ रहे हीट आराम से निकल सकता है तो हीट तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता जैसा मैंने आपको चैप्टर में बहुत बताया ट्रांसफर ऑफ हीट में कि अगर आप कप ऑफ टी रखे हुए हो तो धीरे 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 वो टी जो है वो ठंडी हो जाती है क्यों हो जाती है इसका रीजन चैप्टर में प्रोवाइड किया है मैंने क्लियर तो यहां पर हीट का डेफिनेशन देख लें तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम अगर टेम्परेचर डिफरेंस है हीट लगातार ट्रांसफर होता रहेगा कब तक जब तक बराबर ना हो जाए इक्वल ना हो जाए टेम्परेचर थर्ड इज थर्मल एक्सपेंशन किसी भी मैटर की वो सॉलिड हो लिक्विड हो या गैस हो उसका एक्सपेंशन कब हीट करने पे अगर हीट कर रहे हैं और वो एक्सपैंड कर रहा है तो इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन क्लियर है ओके मूविंग टू थर्मोमीटर्स तो थर्मामीटर क्या है इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर थर्मामीटर हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो फिर बताएगा कि बॉडी जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना कोल्ड है या कितना ज्यादा हॉट है फाइन ओके मूविंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज रेंज तो द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ टू फिक्स रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ टेम्परेचर दो Uh, किसी भी फिक्स रेफरेंस पॉइंट के मान लो कि यहाँ पर 50 है फाइन और यहाँ पर 10 है तो दोनों के बीच में ये दोनों फिक्स है अगर मान लो तो दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं रेंज तो यहाँ पर आप डेफिनेशन याद कर लेना इंपॉर्टेंट है ठीक है ओके मूविंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन लेबोरेटरी थर्मोमीटर तो थर्मामीटर हम पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं तो लेबोरेटरी थर्मामीटर भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही यूज होता है जस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ऐड करना इन द लेबोरेट्री तो लेबोरेटरी थर्मामीटर अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मामीटर नेक्स्ट हो गया क्लिनिकल थर्मामीटर तो क्लिनिकल थर्मामीटर में इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी यहां पर लेबोरेटरी थर्मामीटर था तो लेबोरेटरी में यूज कर रहे थे क्लिनिकल है तो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं ओके मूविंग टू नेक्स्ट पेज तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो यहां है वो है कंडक्शन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड ये तो इंपॉर्टेंट है यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी स्पेसिफिकली सॉलिड द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड इन विच हीट मूव्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलसेब्स ये सारी कहानी हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं ठीक है ठीके? और इसी को हम कहते हैं इस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट सॉलिड में इसे हम कहते हैं कंडक्शन मूविंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज कन्वेक्शन द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस किसमें लिक्विड और गैसेस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है और जिसमें मॉलिक्यूल खुद कैरी करते हैं हीट को यहाँ पर तो कंडक्शन में मॉलिक्यूल खुद नहीं मूव कर रहे हीट ट्रांसफर कर रहा है ठीक है पर यहाँ पर मॉलिक्यूल खुद जो है वो कैरी करते हैं हीट को किस मीडियम में लिक्विड एंड सॉलिड में सॉरी लिक्विड एंड गैसेस में तो हम उस टर्म को कहते हैं कन्वेक्शन नेक्स्ट इज कन्वेक्शन करेंट्स द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड एंड गैसेस क्योंकि हमने कन्वेक्शन पढ़ा ना किसमें पढ़ा लिक्विड एंड गैसेस में तो इसमें लिक्विड और गैसेस में जो साइक्लिक मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन करेंट क्लियर है ओके मूविंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन कंडक्टर ऑफ हीट कौन होते हैं तो कंडक्टर वो होते हैं जो हीट को इजीली अलाउ करते हैं फ्लो करने के लिए खुद से ठीक है अगर वो आराम से अलाउ कर रहे हैं जो मटेरियल विच अलाउ हिट टू फ्लू फ्लो थ्रू इट विथ वेरी ईज वेरी इजली उस मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टर हीट की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कंडक्टर ऑफ हीट क्लियर है यहां पर ये टर्म हम पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन का विच इज नंबर थर्टीन सो दैट हम कंडक्टर में और इंसुलेटर में डिफ्रेंशिएट कर पाएं तो इंसुलेटर क्या होते हैं द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर या फिर हीट इंसुलेटर यहां पर कंडक्टर में क्या था अलाउ कर रहे हैं आ जाओ हीट आ जाओ यू कैन पास थ्रू मी बट इंसुलेटर क्या कह रहे हैं नो 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 हीट यू आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू मी जैसे हमने लकड़ी का एग्जाम्पल पढ़ा था वुड का ठीक है कि आप उड को पकड़ सकते हो वो आपको वो हीट को अलाउ नहीं करता इसीलिए जो यूटेंसिल्स आप किचन में यूज करते हो उसका जो कई बार हैंडल होता है आप देखोगे ऊड का बना रहता है या फिर स्पैचुला भी उड़ का यूज़ करते हैं वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है फाइन ओके नेक्स्ट डेफिनेशन वापस से हम ट्वेल्थ पे जाते हैं तो डिग्री सेल्सियस यूनिट होता है मेजरमेंट का किसके लिए टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस आप बोलो ट्वेंट नाइन्टी एट डिग्री नाइन्टी नाइन डिग्री हंड्रेड डिग्री तो ये डिग्री होता है यूनिट अब यहाँ पर सेल्सियस की बात करें तो जो भी फिगर होगा जो भी फिगर होगा थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस थर्टी एट डिग्री सेल्सियस ठीक हम चैप्टर में सारी चीजों को पढ़ चुके हैं तो ये क्या करता है मेजरमेंट करता है टेम्परेचर का ंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज लैंड ब्रिज द ब्रिज द्लोज फ्रॉम लैंड टू दी सर्फेस मैंने आपको बताया था आपको याद रखना है लैंड टर्म से अगर लैंड ब्रिज है मतलब लैंड से सी सरफेस पे जब ब्रिज फ्लो कर रहा है तो वो लैंड ब्रिज होता है जब जो कब होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम फाइन ओके नेक्स्ट इज ग्लोबल विंड पैटर्नस अनइवेंट हिटिंग ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन ग्लोबल विंड पैटर्न ग्लोबल विंड पैटर्न क्यों होता है अर्थ की अनईवेंट हिटिंग के कारण फाइन ओके मूविंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज सी ब्रिज तो देखते हैं ये क्या है द एयर द कूलर एयर फ्रॉम अव दी रशिश टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस इन द डे टाइम दिस मूवमेंट इज कॉल्ड सी ब्रिज आप सिंपली याद रख सकते हो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द सी सरफेस टू द लैंड सरफेस इज कॉल्ड सी ब्रिज और किस टाइम पे होता है ये डे टाइम पे दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट फाइन ओके मूविंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन मॉनसून विंड पर दो डेफिनेशन है आपको जो इजी लगे आप याद कर सकते हो पहला है द फ्लो ऑफ द विंड फ्रॉम द ओशन टूवर्ड्स द लैंड कैरिंग वॉटर एंड ब्रिंगिंग रेन पानी कैरी करके आ रहा है वो विंड जो है वो क्या कॉज करेगा रेन कॉस करेगा और इन रेन को दीज एड ई ठीक है दीज विंड्स आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है द विंड विच फ्लो फ्रॉम ओशन टूवर्ड्स द लैंड तो एक तो क्लियर आपको चीज रखनी है कि ओशन से लैंड की तरफ आ रहा है यह ठीक और क्या कर रहा है वाटर कैरी कर रहा है और अल्टीमेटली वाटर कैरी करने के कारण रेन कॉस कर रहा है जिनको हम कहते हैं मॉनसून विंड ठीक ओके यहां पर क्लियर कर दिया मैंने चीजों को आपके इजीली नोट डाउन करने के लिए ठीक यहां पर आप सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेडिएशन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर यूर एग्जाम की कंडक्शन में इट वॉज सॉलिड मीडियम कन्वेक्शन में इट वॉज लिक्विड एंड सॉलिड और रेडिएशन में इसे कोई जरूरत नहीं है मटीरियल मीडियम की ठीक इसे हम कहते हैं रेडिएशन नेक्स्ट इज रेडियंट एनर्जी द हीट एनर्जी रिसीव्ड बाई एन ऑब्जेक्ट थ्रू रेडिएशन जब रेडिएशन के थ्रू हीट एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट रिसीव करता है तो उसे हम कहते हैं रेडियंट एनर्जी तो यहां पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया फॉर डेफिनेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड टील देन स्टे सेफ टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन